शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 3 महीने से बंद सलून की दुकानें शुरू करने की मांग को लेकर नाभिक संगठन ने सौंपा नगर परिषद व वाड़ी पुलिस को ज्ञापन। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक सलून की दुकानें बंद होने से सलून व्यवसाय पर भूखे मरने की नौबत आ रही है। सलून ब्यूटी पार्लर की दुकानें शुरू करने की मांग को लेकर नाभिक एकता मंच ने मुख्याधिकारी चुम्मा प्यारे वाले व पीआई राजेंद्र पाठक को ज्ञापन सौंपा है। मांग की है कि वाड़ी और दौलामिट्टी क्षेत्र के सभी सलून दुकानें खोलने की अनुमति दे। सलून व्यवसायी परिवार के दुकान बंद होने से परिवार पर भूखे मरने की नौबत आ गई। बच्चों के स्कूल की फीस भी देना मुश्किल हो रहा है। मार्केट के सभी दुकानें शुरू है लेकिन नाभिकों के दुकानों को अब तक खोलने की अनुमति नहीं दी गई। परिवार के पोषण का सवाल अब खड़ा हो रहा है। अब तक नाभिकों को सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिली। अब दुकानों को खोलने पर विचार नहीं करने से 11 जून को दत्तवाड़ी में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आंदोलन में सभी नाभिक एकता मंच के सदस्य उपस्थित रहने की जानकारी नाभिक एकता मंच के अध्यक्ष राजेश मानकर, कार्याध्यक्ष वसंत घडणीकर और दौलामिट्टी के माजी सरपंच विलास वटकर ने दी है। सलून व्यवसाय 3 महीने झाले बंद आहे आणि त्यांचे मुलं आणि परिवार उपासमारीचे दिवस त्यांच्यावर येत आहे। अलग आणि उलट्या सुलट्या घटना होत आहे। नवनीत नगरमध्ये एका मुलानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला, तसेच टेकडीवाडीमध्ये एका हाताची नस कापलेली आहे आणि त्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत आहे। सरकार यांच्याकडे लक्ष देऊ नाही राहिलेली आहे, नाही नगर परिषद प्रशासक लक्ष देऊन राहिलेला आहे, नाही ग्रामपंचायत लक्ष देऊन राहिलेलं आहे आणि यांच्यासाठी काही दिशानिर्देश असे गव्हर्नमेंटनं लावून दिलेले नाही। मागणी आमची दुकानं चालू सलून व्यवसायाचे दुकानं चालू झाले पाहिजे हीच आमची प्रमुख मागणी आहे। आम्ही उद्याला 11 ते 2 या वेळेमध्ये मूक प्रदर्शन करणार आहोत, काळे फिते बांधून, की सरकारला चेतना आली पाहिजे, सरकार जागरूक झाली पाहिजे आणि त्यांनी आमची दुकानं चालू करून आमचा रोजगार चालू झाला पाहिजे। रोजगार चालू होईल तर आमच्या शिक्षणासाठी, मुलांसाठी, परिवारासाठी आम्ही खाणंपिणं दाणापाणी आणू शकू आणि त्यांना चालू शकू। इन बी सी न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।